राम राम भाई सारा ने। ठीक है, आज तारीख हो गई है 22 नवंबर 2023। वर्कआउट का दिन चल रहा है 74। तो आज करेंगे रनिंग पार्क में, फिर घर पे जाके करेंगे शोल्डर का वर्कआउट। तो दोस्तों, आज मैंने 2 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर लिया था। ठीक है, टोटल मैंने 9 चक्कर लगाए थे पार्क के। ठीक है, 9 चक्रों में 2 किलोमीटर पूरी हो गई थी सक्सेसफुली। तो दोस्तों, सेट वन करते हैं स्ट्रेचिंग का, जिसका नाम है वॉल स्ट्रेच टाइप 2। तो दोस्तों, अब हम कर रहे हैं दूसरी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज। ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ राउंड एंड राउंड बोथ हैंड। अभी हम कर रहे हैं फुल बॉडी स्ट्रेच। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे अपना मेन वर्कआउट शुरू। तो दोस्तों, करते हैं सेट वन सिटिंग पोजीशन में डंबल के साथ। ठीक है, तब तक दोस्तों आप लाइक बटन पे हिट कर दो। तो दोस्तों, ये हमारा शोल्डर का सेट वन चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइए आपको मेरा नया हेयर कट कैसा लगा। तो करते हैं सेट टू की तैयारी शोल्डर की एक्सरसाइज की। ये भी मैंने 10 तक की थी। तो दोस्तों, करते हैं शोल्डर का अगला सेट, फ्रंट आर्म रेज। दोनों हाथों की हमने 10 10 तक की थी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम करेंगे बोर्ड के साथ शोल्डर के 3 सेट। ठीक है, तो सेट वन करने की तैयारी कर रहे हैं अब हम। तो दोस्तों, इसमें बड़ा दम लगता है क्योंकि पूरा बॉडी वेट के साथ पुशअप लगती है ना, इसलिए। तो हमने 10 10 के 3 सेट किए हैं बोर्ड के साथ, अलग अलग पोजीशंस में बोर्ड की। तो दोस्तों, अब हम बोर्ड के साथ टाइप 2 कर रहे हैं। ये डायमंड पुशअप्स की ही तरह होती है, इसमें भी बड़ा दम लगता है। हर चीज़ में दम लगता है भैया, ऐसे ही नहीं बॉडी बन जाती है। तो दोस्तों, पुशअप करते करते अब हम तीसरी टाइप की पुशअप्स में आ गई है, जो शोल्डर के लिए होती है। तो दोस्तों, इसका भी हमने 10 तक टारगेट रखा था, लेकिन हमने 15 तक कर दी थी सक्सेसफुली। तो दोस्तों, अगली एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हमको खोए मटकाने होते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, हमको कोई काम दे दिया जाता था तो हम ऐसे ही करते थे। दोस्तों, ऐसा मैं तो इसलिए करता था क्योंकि मुझे नहीं करना होता था काम। तो दोस्तों, वाइड पुल अप्स मार के देखते हैं। ये वाली मुझसे लगती नहीं थी, लेकिन आज मैंने सक्सेसफुली 5 तक लगा ही थी। इसके मैंने 2 सेट किए थे, सेट वन में लगी हैं 5, दूसरे सेट में लगी हैं 4। तो दोस्तों, ये सेकंड क्लिप चल रही है हमारी, इसमें आप देख सकते हो 4 ही लगी थी मुझसे बस। तो दोस्तों, 10 kg 6 फीट रोड के साथ करते हैं शोल्डर का अगला सेट। टन टन, ये वाली एक्सरसाइज दोस्तों मैंने बड़े सावधानी से की थी, क्योंकि इसमें शोल्डर की नस पे नस चढ़ने का डर रहता है। तो दोस्तों, सेट टू करते हैं शोल्डर का रोड वेट के साथ। ये भी हमने 10 तक की थी और पिछली वाली भी 10 तक की थी। तो दोस्तों, ये मैंने एक्सरसाइज भी बड़ी सावधानी से की थी और धीरे धीरे की थी बिल्कुल। तो दोस्तों, करते हैं अगला सेट फ्लोर के साथ। इसमें हमने की थी हैंड वॉक, ये हमने 10 तक की थी ऐसे करते करते। ये दोस्तों इंटेंस ट्रेनिंग है शोल्डर और ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन यानी ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो है शोल्डर के लिए, वो है बाइक पुशअप्स। इसके हमने 2 सेट लगाए थे,
दस दस के, तो ये अभी सेट वन चल रहा है। तो दोस्तों अगली एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए, जो कि है पाइक पुशअप्स सेट टू। इसमें देख सकते हैं आप मेरे शोल्डर की मूवमेंट कितनी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा सेट है शोल्डर का रोड वेट के साथ, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल स्लोली स्लोली की थी, पूरी पूरी मूवमेंट के साथ। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। तो करते हैं दोस्तों वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड। तो दोस्तों करते हैं आज का वर्कआउट खत्म सपाटे मारने के बाद, और दिखाता हूँ आज का रिजल्ट क्या रहा। तो दोस्तों सपाटे भी मैंने दस्तक की थी, वर्कआउट के बाद सपाटे करने की जान ही नहीं बचती। हे राम, सपाटे के बाद चढ़ गए थे सांस बिल्कुल। तो देख सकते हैं ये है आज के वर्कआउट की कंडीशन, हल्के फुल्के बैक्स, सिक्स बैक्स, और ऊपर वाला एरिया देख सकते हैं आप शोल्डर का, ये बात कमाल की लग रही है। तो दोस्तों आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा आज का रिजल्ट।